अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। अब तक आपने देखा अनन्या कबीर को बताती है कि रॉनी को उन दोनों के अफेयर के बारे में शक है। इधर मालविका अनन्या को अपने केबिन में बुलाकर उससे कहती है, क्लॉज 6A के अकॉर्डिंग यहाँ कोई भी एम्प्लॉय किसी और एम्प्लॉय के साथ प्रोफेशनल रिलेशनशिप के अलावा कोई और रिलेशनशिप नहीं रख सकता। उधर मालविका की बातों से परेशान होकर अनन्या कबीर से बोलती है, क्या करेगी, नौकरी से निकालेगी ना, निकाल दे मुझे, मैं जाने से पहले सबको बता दूंगी। क्या आपके और मेरे बारे में? अब आगे ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है और इस समय की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। आज दोपहर को दिल्ली पुलिस ने शहर के बीचों बीच एक रिहायशी इलाके में रेड के दौरान असला, बम बारूद और कुछ हथियार बरामद किए हैं। ये रेड कुछ डेढ़ घंटे पहले हुई है और ये रेड दिल्ली पुलिस का गुप्त ऑपरेशन था जिसकी जानकारी ऑफिशियल तौर पे अभी तक किसी को नहीं दी गई है। लेकिन हमारे सोर्सेज ने कन्फर्म किया है, दिल्ली और उसके आसपास के राज्यों में रेड अलर्ट लागू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि जिस मकान में ये हथियार और बम पाए गए हैं वो किसी सरकारी कर्मचारी के नाम पर है जिसने किराए पे अपना ये मकान रखा हुआ था। अभी तक इस सिलसिले में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई है। गृह राज्य मंत्री ने हमारी संवाददाता ऋचा लखानी को स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने इस रेड की कन्फर्मेशन तो दी है लेकिन फिलहाल और कुछ भी स्पष्ट करने से इनकार कर दिया है। अभी के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। आप देख रहे हैं KKN और मैं हूं कबीर शर्मा, सिंदाबाद। वो लिस्ट बना ली है मैंने। वो तो मैं सुन नहीं सकता, ये साउंड प्रूफ है। थैंक यू सो मच मालिका, मुझे तो पता ही नहीं था। तो मैं अपनी आवाज कैसे पहुंचाऊं कबीर सर तक? इसमें आवाज आती भी है? सर, मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या बात है मिस कश्यप? मैं बार आ रहा हूं ना। आई लव यू। आई लव यू को फ्रेंच में क्या कहते हैं सर? ये क्या बदतमीजी है अनन्या? बदतमीजी क्या? आपको फ्रेंच आती है? आप बता दीजिए। कबीर सर को आती है। मुझे अभी भी याद आया, मेरे भाई ने क्वेश्चन पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए। यतम, आई लव यू को फ्रेंच में जतेम कहते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अरमान लिख ले, आई लव यू को जतेम कहते हैं। कबीर, तुम्हें ये बकवास रोकनी चाहिए। क्या? अभी अनन्या ने क्या किया उसने? अरे उसने एक सवाल पूछा, मैंने उसका जवाब दिया। क्यों खामखा? डोंट मेक अ बिग डील आउट ऑफ इट मालविका। मालविका, 2 मिनट हैं तुम्हारे पास, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अनन्या प्लीज डोंट माइंड, पर मुझे तेरी हरकत ना ठीक नहीं लगी। क्या हरकत? हरकत क्या? चल सवाल ही था। हाँ, अरमान ने पूछा तो मैं क्या करती यार। अनन्या प्लीज, तू कुछ छुपा रही है मुझसे, बता ना यार। नहीं, मैं सच कह रही हूँ, ये मेरा जवाब था मालविका को।
कि जो उखाड़ना है उखाड़ ले। I hope उतना ही सच था तेरी बात, न थोड़ा ज्यादा न कम। क्या? Am I missing something? तो और क्या पूछना चाहती हो मिस अनन्या कश्यप के बारे में मालविका? और अगर कुछ नहीं तो उसे बुलाकर धमकियां देने का क्या मतलब है? तो उसने तुमसे कंप्लेन भी कर दी। यहाँ सीनियर वो है या तुम? मालविका अगर तुम्हें अपनी बेइज्जती करवाने का शौक है तो प्लीज खुशी खुशी करवाओ, लेकिन मेरी बेइज्जती करने का हक मैंने किसी और को नहीं दे रखा। What do you mean, कबीर? What I mean is, मिस अनन्या कश्यप को बुलाकर उससे ये पूछना कि क्या उसका मेरे साथ में अफेयर चल रहा है, मींस वो सवाल तुम मुझसे पूछ रही हो, और अगर मुझसे कुछ पूछना है तो मुझसे आकर पूछो, मेरे किसी जूनियर से नहीं। मैं दूंगा ना जवाब। और एम्प्लॉयज कॉन्ट्रैक्ट के जिस क्लॉज की बात तुम कर रही हो वो क्लॉज तो मुझ पर भी लागू होता है मालविका, तो क्या मैं ये समझूं कि तुम मुझे धमकी दे रही हो? क्या केकेएन में मुझे निकालने का कोई गेम खेला जा रहा है? नहीं कबीर, मैं तुम्हारे साथ कोई गेम नहीं खेल रही हूँ। तो फिर क्या मिस कश्यप के साथ खेल रही हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझसे जुड़े सवाल मुझसे आकर करो, ये बात ध्यान रखना। तुम दोनों यहाँ पे हो? मेरी अभी भी केएल से बात हुई। क्या कहा केएल ने? वो मर्जर के बारे में बात कर रहा था। जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मर्जर होना है वो इस डील में मेजर स्टेक होल्डर्स है, सो जाहिर सी बात है कि केकेएन पे ज्यादा होल्ड उनका होगा, यू नो व्हाट आई मीन। तो इसका मतलब है वो जो भी कंपनी है जिससे केएल हाथ मिलाने जा रहे हैं वो हमें कंट्रोल करे। राइट, सही समझा तुमने। क्या बात है, तुम्हारी आवाज में चिंता परेशानी टेंशन का म्यूजिक सुनाई दे रहा है खालिद। तुम्हें डर है कि तुम केकेएन में रहोगे या नहीं? कबीर, इस वक्त सभी की पोजीशन और नौकरी खतरे में सिवाय तुम्हारे। रियली? देखो कौन रहेगा और कौन जाएगा इसका तो जल्दी पता चल जाएगा, पर डिसाइड कौन करेगा ये जानना बाकी है। That's the point. ठीक है खालिद, देखते हैं कौन केकेएन में रहता है और कौन नहीं। ये इसे क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कहा या did I say something wrong or did I miss something? क्या बात है मालविका, बड़ी उदास लग रही हो। लगता है तुम्हारे जादू के साथ साथ पावर भी कम हो गया है क्या? मालविका, यू हैव दैट एक्स फैक्टर, कम ऑन, यू कैन डू इट। रिचा, वो मिनिस्टर के साथ इंटरव्यू के क्वेश्चंस बना लिए तुमने? हाँ, मेरे पास और भी कुछ इंफॉर्मेशन है, कम टू माय केबिन। यस सर। ऑलराइट, एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? लगता है आप काफी देर से बैठे हैं। हाँ जी, वो क्या है ना जी, आज के जमाने में ना एक गरीब लाचार की मदद कौन करता है, आप ही बताओ। आप गरीब लाचार ऐसा मत कहो जी, मीट माई सेल्फ सन्नी गिल, सीनियर कैमरामैन केकेएन। ओह सीनियर, हम आपकी सेवा के लिए बैठे हैं, आप हुक्म करो जी। बस
मत ही पूछो। वो क्या है ना जी, मैं अब कबीर सर से मिलना चाह रही थी और वो है कि मुझे टाइम ही नहीं दे रहे। आप कुछ कर सकते हैं क्या जी? प्लीज मैं ऊपर वाले से दुआ मांगूंगी कि आपकी सारी मुरादें पूरी हो जाए जी, सारी। बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं अभी बात करता हूँ कबीर सर से कबीर से मैं अभी बात करता हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच जी। रोनी भाई, रोनी भाई, रोनी भाई, मेरा प्यारा भाई है। भाई रब दी सौ तुझे मेरा काम कर दे। भाई बार एक ना लड़की आई हुई है, मेरा ना उस पे दिल आ गया, कहने लगी मैंने कबीर शर्मा से मिलना। मैंने कहा मैं तो यूं मिलवा दूंगा, कबीर सर मिलने के लिए तैयार ही नहीं है। भाई तू कुछ भी कर सकता है, मेरा भाई कुछ भी कर सकता है। भाई मेरी इज्जत रख लेना, उस लड़की को मिलवा देना, तेरे कुंवारे भाई का दिल टूटेगा, तुझे अच्छा लगेगा। बिल्कुल नहीं, एक बात बता, तू जानता है कि अनन्या की बहुत सही बनती है कबीर के साथ? हाँ। तो अनन्या के पास आजा आजा भाई। अनन्या मेरी प्यारी अनन्या, अनन्या मेरा काम कर देना यार। क्या क्या हुआ? मेरी मोहब्बत को कबीर सर से मिलवा दे। क्या? बाहर बैठी है लेकिन कबीर मिल ही नहीं रहा। तो मैंने कहा कि तू चाहे तो मिलवा सकती है। ओ अच्छा, कैसी है दिखने में? गजब रिचा दीदी। दीदी तो देखो अपने छोटे से बाबू ने राज होने दोगे क्या? मिलवा दो ना। हैं? इतना कह रहा है मिलवा देना कभी सर से। यार ये अच्छा है, मैं क्यों मिलवाऊं? देखो मैं तेरी सारी उम्र सेवा करूंगा, जो तू कहेगी ना वही करूंगा, है तेरी सारी बातें मानूंगा। एक बार मिलवा दे। मैं क्यों कभी सर को किसी और लड़की से मिलवाऊं? अरे क्यों नहीं मिलवा सकती, क्या प्रॉब्लम है इसमें? अब इतने प्यार से बोल रहा है मिलवा देना। हाँ मतलब इसमें क्या प्रॉब्लम है? तू नहीं चाहती कि कबीर किसी लड़की से मिले? हाँ? मुझे क्या, हट अब। ओके ठीक। एक्सक्यूज मी, आपको कबीर सर ने बुलाया है। मानव जी है ना जी? ओह माय गॉड, मानव जी मैं तो आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मतलब रोज रात को 8 बजे ना आपकी आर्ट की बात तो जरूर ही देखनी, मतलब मैं मिस ही नहीं कर सकती। क्या बात है, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई है। आप मैं कबीर जी ने आज मुझे बुलाया है यहाँ पर, मैं उन्हीं से मिलने जा रही हूँ। आपने यही खड़े रहना, यही खड़े रहना, हिलना मत, मैं अभी आती हूँ मिल के। हेलो बिजी, कोई लड़की है बहुत देर से वेट कर रही है, कह रही है कि ये टीनू सुबह से फोन कर रहा है। एक सेकंड। हाँ जल्दी बोल। कम इन सर। बेबी। यस सर। कम इन बेबी। हेलो सर। ओह सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी सर। Such a nice pleasure meeting you, sir. मेरे लिए तो अभी तक ये सपना ही है कि मतलब मैं आपसे मिल रही हूँ, आपसे हाथ मिला रही हूँ। मेरा तो दिन बन गया सर। हाँ हाँ ठीक है, पता करके फोन कर। It's okay, babe. चलो अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम्हें वेट कर रहा है उसके लिए। अरे नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं। It's always a pleasure waiting for you. आप मालविका मैम होंगी ना, है ना? आप कौन है? मैं बेबी मल्होत्रा, प्यार से सब लोग मुझे बेबी बुलाते हैं। अच्छा, और वैसे नॉर्मली क्या बुलाते हैं? नॉर्मली जी भी बेबी बुलाते हैं, नाम ही बेबी है मेरा। एक्चुअली क्या है ना, मेरे नाम के साथ भी ना एक कमाल की स्टोरी जुड़ी हुई है, बताओ। छोड़ो, ओ सॉरी 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 जी सॉरी। एक्चुअली ये प्रॉब्लम आज की नहीं है, मेरी बचपन से ही प्रॉब्लम है। आज तक समझ में नहीं आया कि क्यों आगे पीछे मेरी चीजें गिरती पड़ती रहती है,
इसीलिए नाम भी चेंज नहीं किया मेरा, बचपन से लेके आज तक बेबी बुलाते हैं। बताओ ये त्रिशा, त्रिशा के रिप्लेसमेंट। ओ चलो अच्छा हुआ तुम आ गई बेबी, तुम कैसे ज्वाइन कर रही हो ना? हाँ जी सर। ठीक है तो ये तुम्हें सबसे मिलवा देगी मालविका प्लीज। चलिए जी, चलिए। ध्यान से गाइस, ये है बेबी मल्होत्रा। और नाइस टू मीट यू बेबी जी। नाइस टू मीट यू। कबीर शर्मा ढंग से मिला ना? हाँ जी बहुत, मतलब मैंने बोला था कबीर से। आपने बोला था? हाँ जी हाँ जी। टेंशन नहीं लानी, पूरा रुतवा अपना ऑफिस में। ये त्रिशा की जगह आई है। ये हाय। हाय रॉनी, मुझे ड्रॉप कर दे घर। हाँ टीनू। हाँ हाँ अच्छा कहाँ मिल रहा है मुझे? बाहर मोड़ पे, बस मैं निकल रही हूँ ऑफिस से। नहीं नहीं उस आदमी से मिलना तो बहुत जरूरी है आज। हाँ ओह तू मुझे पिक कर रहा है, ओके ओके। मुझे लगता है इसका फैट टीनू से चल रहा है। हाँ तुक तो चल नहीं सकता, तेरा मुझे चलता है। तुम ही बताओ अनन्या, तुमसे नाराज हो गया, तुमसे आर्ग्यू करके मुझे क्या हासिल होगा? या आई डू लव यू, लेकिन इसे बार बार दोहराने से, खासकर ऑफिस में, लव डबल हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी। आपको तो हर बात में कॉम्प्लिकेशन नजर आती है, हमेशा ऐसे ही करते हैं आप, मुझे गलत साबित करते रहते हैं। पहले भी ऐसे करते थे और अभी भी ऐसे ही करते हैं। अनन्या मैं तुम्हें गलत नहीं कह रहा हूँ, जो गलत था उसे मैंने कह दिया, सुना दिया मैंने मालविका को। आपने सुनाया उसे? आपने डांटा? क्या कहा? बताया क्यों नहीं मुझे? बता तो रहा हूँ। तो पहले क्यों नहीं बताया? क्या कहा उसने? अच्छा वैसे वेरी गुड, अब अच्छा है, पंगा लेके देखिए मुझसे। बस इसीलिए नहीं बताया था तुम्हें। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट की बात उसने की है वो मजाक नहीं है? आई नो इट्स फन, लेकिन इस तरह की बेवकूफ वाली हरकतें खासकर ऑफिस में करना, विल बिकम अ जोक, लोग मजाक करेंगे हमारे बारे में। और तुम्हें क्यों भूल जाती कि मालविका केएल की बेटी, और केएल एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ में टाइप कर रहे हैं, एक मर्जर कर रहे हैं, बहुत जल्द केकेएन का बॉस कोई और होगा। तुम्हें समझ में नहीं आता? मैं समझती हूँ, पर कोई प्रूफ भी तो होना चाहिए ना। किसी को नहीं पता हमारे बारे में, कोई नहीं जानता हमारा क्या रिश्ता है, हम क्या करते हैं। आप ऐसे मुझे घर ड्रॉप करने आते, किसी को नहीं पता। गुड नाइट। वैसे ना एक लड़की को दिन में हजार बार आई लव यू कहने की सुनने की जरूरत होती है, अच्छा लगता है, रीअश्योरिंग लगता है। या आई डू लव यू। बाय, गुड नाइट। मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कबीर, तुमने मुझे एक मामूली जूनियर रिपोर्टर की वजह से डांट दिया। अब तुम देखना मैं इस जूनियर रिपोर्टर का क्या करती हूं।
और जाने से पहले कहते हैं समझदारी इसी में है जब सही वक्त पर सही बात की जाए, लेकिन जब बात दिल की हो तो वक्त सही वही होता है जब दिल की बात कही जाए।